हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और लेकर आए एक बार फिर से आपका अपना कार्यक्रम जिसमें बात होगी आपकी फ्यूचर की, आपकी किस्मत की, कैसा रहने वाला है आज आपका दिन। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे। किस्मत कनेक्शन में आज हमारे साथ जुड़ी हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, सुप्रभात। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस कार्यक्रम में सीधा हमारी गेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, तो कॉल आप कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। रंजना जी, शुरुआत में जैसा कि हम एक अच्छे विचार से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो क्या है आज का सुविचार? आज का सुविचार है कि जिसकी जैसी नियत है वो वैसी ही कहानी रचता है। कोई लोग परिंदों के लिए बंदूक और कोई परिंदों के लिए पानी रखते हैं। हमें इस बात में नहीं उलझना चाहिए कि भगवान है या नहीं, हमें ये सोचना चाहिए क्या हम इंसान हैं या नहीं। बहुत जरूरी है कि सबके साथ इंसानियत का फर्ज निभाते चले जाइए, खुशियां बांटते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक नंबर वालों की। रंजना जी, एक नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज? एक नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, घर परिवार में भी इनको पूरा सुकून है। ये देखते हैं कि इनको अपने लाइफ पार्टनर में और हम देखते हैं अपने बिजनेस पार्टनर से भी इनको पूरा पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। आज का दिन जितना भी ये कोई नए काम शुरू करना चाहें या कोई भी इनके जो रुके हुए काम है वो भी इनके आज जरूर बन जाएंगे। खाली इनको थोड़ी अपनी हिम्मत रखनी होगी, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना पड़ेगा, अपनी हिम्मत बनाए रखें और जरूर कोई ना कोई जो भी इनके काम में रुकावटें आ रही हैं उनको ये आज जरूर उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। आज का दिन नंबर एक वालों के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है, 80% सक्सेसफुल है और आज के दिन शिव आराधना अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर से शिव चालीसा का पाठ करके चलिए तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। आपका रंग है लाल और आपका जो अंक है वो है नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दो नंबर वालों की। रंजना जी, दो नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स आज? दो नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका भी दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है और हम देखते हैं कि इनको अपनी माताजी से और डेफिनेटली अपने जो घर परिवार से उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलने वाला है और अपनी माताजी से कोई ना कोई उपहार भी मिलने वाला है जो कि इनको बहुत ही इनके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपने सह परिवार ये जरूर कोई धार्मिक स्थल पर अवश्य जाएंगे, जिसके लिए इनको आज के दिन ये पूरी प्लानिंग करेंगे, उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ भी मिलेगा और आज का दिन इनके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनको कोई ना कोई अपने पुराने दोस्त से अपने बिजनेस के लिए कोई बहुत ही अच्छा प्रपोजल भी मिल सकता है। तो आज का दिन नंबर 2 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, 75% सक्सेसफुल रहेगा और आपका रंग जो है वो है पीला और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। आज जरूर आप केसर का तिलक लगाकर और हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपका रंग है पीला और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। चलिए, हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़े हैं जींद से, बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना सवाल रख सकते हैं आप राकेश जी। मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ मैम जी। उनका नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। पूजा शर्मा, बेटी का नाम पूजा शर्मा है जी। जी क्या पूछना चाहते हैं आप पूजा के लिए? डेट ऑफ बर्थ 26/3/1992। पूजा शर्मा नाम है रंजना जी। जन्मतिथि 26/3/1992 जी। अच्छा, सवाल क्या है सर? उसकी मैरिज के बारे में, उसकी मैरिज और रोजगार के बारे में पूछ सकता हूँ के बारे में जी। हाँ जी, हाँ जी, हम देखते हैं राकेश जी, भाई सर, ये आपकी बिटिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, बहुत सहनशील है और हम ये देखते हैं कि इनके जो जॉब है उसके लिए थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपसेट एंड डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। उसके लिए हम आपको यही सजेशन देंगे, एक तो बाजरा चीनी का दान रोज करना शुरू कर दीजिए, थोड़ी सी लो ये दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि हर शुक्रवार वाले दिन थोड़ा खीर का दान कीजिए और बृहस्पतिवार वाले दिन 2 बेसन के लड्डू का,
फिर आप देखिए इनकी रोजगार भी जल्दी लगेगी और इनकी शादी हम देखते हैं काफी जल्द होने वाली है। उसके लिए अगर एक ये मंत्र करना लग जाएंगी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उसको लिख लीजिए, दुर्गा जी के चित्र के सामने जोत जलाकर लाल पुष्प चढ़ाकर ये मंत्र वो रोज 108 बार करना शुरू कर देंगी 3 महीने के लिए। हम देखते हैं उसके अंदर इनकी शादी जरूर फिक्स हो जाएगी। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांता कांताम सदुर्लभाम। इसको 108 बार अपनी बिटिया को बोलो कि ये रोज करने लग जाए और जरूर इसको बहुत जल्दी सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है, निधि अंबाला से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल रख सकती हैं आप। अपने बेटे के लिए पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12/2/2011 3:25 शाम के। नाम बताइए अपने बेटे का आप। मधुर गोयल जी, मधुर नाम है। क्या जानना चाहती हैं उनके लिए, मतलब उसकी स्टडी कैसी रहेगी, वो कैसा रहेगा जी। हाँ जी, हम देखते हैं आपका, देखिए बेटा बहुत ज्यादा होनहार है मगर ये कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, ये प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता। उसके लिए हम आपको सजेशन देंगे कि रोज बाजरा और चीनी का दान आप पक्षियों को और चींटियों को रोज सुबह करना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो ये लड़का है आपका, इसको एक बारी आप एक लक्ष्य दे देंगे तो उसकी तरफ ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये खुद एक डिसीजन नहीं ले पाता, थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है। तो इसके लिए आप लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए। लड़का बहुत होनहार है, बहुत पढ़ेगा और आगे तरक्की भी करेगा मगर माइंड में कंफ्यूजन रहती है और बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता है। उसके लिए इसको एक गायत्री मंत्र का जाप सुबह 11 बार और शाम को 11 बार करेंगे तो हम देखते हैं कि इसको दिशा निर्देश हो जाएगा तो ये एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा सफल भी रहेगा। चलिए रंजना जी, अब बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? 3 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं बहुत ही अच्छा समय चल रहा है मगर कहीं स्वास्थ्य में इनको प्रॉब्लम आ रही है और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन को लेकर इनको प्रॉब्लम चल रही है और ये भी देख रहे हैं कि इनको पीठ और टांगों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। उसके लिए बहुत जरूरी है, एक तो इनको सूर्य को जल देना चाहिए, रोज थोड़ा सूर्य में भी इनको बैठना चाहिए और साथ साथ इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ रोज या तो कर लें नहीं तो सुनना शुरू कर दें ताकि जो भी इनके अंदर एक थोड़ी सी लो कॉन्फिडेंस भी इनका जो हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा और इनके स्वास्थ्य में भी बहुत ही जल्दी सुधार आने लग जाएगा। तो ये जो छोटे हमने आपको उपाय बताए हैं ये अवश्य कीजिए, फिर आपका दिन बेहतर होता चला जाएगा। आज का दिन का सक्सेसफुल रेट है आपका 65%, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका रंग है केसरिया और आपका जो अंक है वो है नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों की। रंजना जी, 4 नंबर वालों के लिए क्या सजेशन आज? 4 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं काफी दिन से मशक्कत कर रहे हैं कोई नया काम शुरू करने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं मगर कहीं इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। मगर हम ये देख रहे हैं कि अब जरूर इनको कहीं ना कहीं से एक अच्छा प्रपोजल आने वाला है बिजनेस को लेके, तो उसके लिए इनको मेहनत भी करनी चाहिए, उसके बारे में अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशंस भी देख लेनी चाहिए और घर परिवार में जो कोई बड़े हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही अपना जो भी काम करना चाहे ये जरूर करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। और आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए, जरूर शिवलिंग के ऊपर एक पीपल का पत्ता चढ़ाएं, शिव जी का अभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद ही अपना नया जो काम करना चाहते हैं आप और जिसका आपका प्रपोजल आया है उसको आप आज शुरू कर सकते हैं। आपका रंग जो है वो है नेवी ब्लू और आपका जो अंक है वो है नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं पृथ्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पृथ्वी जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये कह रहा हूँ हम बिजनेस करना चाहते हैं। जी, आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और क्या बिजनेस करना चाहते हैं एक बार वो भी बताएं। 1983 जी जी। मैं कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं। जी, इसका कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं और 1983 उन्होंने अपना जी। यस मैम।
रंजना जी, क्या सवाल पूछना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ उनका डेट ऑफ बर्थ पूरा क्या है? इन्होंने 1983 बताया है डेट ऑफ बर्थ। पृथ्वी जी, अगर जी क्या 12/11? अच्छा जी, 12/11। ओके ओके जी, बने रहिए आप हमारे साथ। हाँ जी जरूर पृथ्वी जी, आप कपड़े का काम कीजिए, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। जेंट्स के कपड़े का काम करेगा उसमें भी बहुत सक्सेस है, और ये खाली लेडीज और बच्चों का मत करिए, उनके भी कपड़ों का आप जरूर काम करना शुरू कर दीजिए। और आपको एक उपाय बताना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा शनि का आपका प्रकोप रहता है, आपके काम में बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं, इसलिए हर शनिवार वाले दिन आप जरूर सरसों के तेल का दान करना शुरू कर दीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। काम अवश्य करें, जरूर करें, एकदम आपको इसमें सक्सेस मिलने वाली है। कपड़े के काम के लिए आपके जो कार्ड्स आए हैं और आपका जो नाम भी है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप कभी चाहें कि आप अपने बिजनेस का या दुकान का क्या नाम रखना चाहेंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं, न्यूमरोलॉजिकली वो भी हम आपको हेल्प कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनका नाम बताएं एक बार। हमारे साथ सीमा जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका सीमा जी। आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो अपना सवाल रख सकती हैं आप। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। जी क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मैं ना बेटी के बारे में पूछना है। जी क्या पूछना चाहती हैं? बेटी का करियर पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 फरवरी 2000। जी नाम बताए अपनी बेटी का। पूजा। बेटी का नाम सीमा जी, आपकी बेटी बहुत होशियार है, और ये भी हम देखते हैं कि मेहनती भी बहुत ज्यादा है, एम्बिशियस भी है, और ये आगे चलकर हम देखते हैं कि अगर एमबीए करेगी तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी, और कंप्यूटर के काम में भी ये बहुत ज्यादा तेज है। ये अगर एमबीए करेगी उसमें भी बहुत इसको लाभ मिलेगा, और अगर ये लॉ की प्रोफेशन में भी करना चाहेगी तो इसमें भी इसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बेटी के लिए आप चिंता मत करें, मेहनती है, इसको खाली सपोर्ट करें, आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हर मंगलवार वाले दिन आप 2 रोटी गुड़ और गेहूं का लगाकर आप रोज आप देना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी बेटी की और भी ज्यादा तरक्की होगी इसके काम में। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। रंजना जी, 5 नंबर वालों के लिए क्या बताना चाहेंगी? 5 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं इनका दिन बहुत ही बढ़िया है, सब तरफ से इनको मान और इज्जत भी मिल रही है, और हम ये भी देखते हैं कि अगर ये अपने कार्यस्थल में भी इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है, और हम देखते हैं वहां जो इनके कार्य क्षेत्र में जो इनके बॉसेस हैं या बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी इनको बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो 5 नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, और फाइनेंस को लेकर भी इनके लिए बहुत ज्यादा तरक्की वाला दिन है, तो इनको जो भी ये काम करना चाहते हैं आप जरूर करें। अगर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा। आपका रंग जो है वो है गुलाबी, और आपका जो अंक है वो है नंबर 6। आज अगर आप कंबल का दान करेंगी तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, आपका सक्सेस रेट है 78%, दिन बहुत बढ़िया है। 6 नंबर वालों की, 6 नंबर वालों के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आज? 6 नंबर वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, लगता है कहीं ना कहीं इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, और ट्रैवल में हम देखते हैं कि जहां भी ये जाएंगे जिस काम के लिए भी जाएंगे इनको पूरी वहां जाकर सफलता मिलेगी, और इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे साबित होंगे। और हम ये भी देखते हैं कि इनको कोई ना कोई अपने पुराने फ्रेंड जो हैं उनसे भी इनको अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान इनकी बढ़ेगी, और जो कि इनकी बिजनेस में और इनके कार्य क्षेत्र में इनकी बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। तो नंबर 6 वालों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, इनका रंग जो है वो है हरा, और इनका जो अंक है वो है नंबर 5। आज अगर ये हरी घास गाय को खिलाएंगे तो उससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, दिन बहुत बढ़िया है, इसमें 75% सक्सेस है, आज का दिन का पूरा पूरा लाभ उठाइए, उसके लिए हमने आपको उपाय बता दिया है, वैसे भी आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों की।
सात नंबर वालों के लिए भी दिन हम देखते हैं, इनका भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और ये भी लगता है कि इनको अपने घर परिवार में भी बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा और इनका ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई कोर्ट कचहरी का मामला है उसमें भी हम देखते हैं जजमेंट इनके फेवर में ही जाने वाली है। इनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मगर हम इनको ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने पिताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और जब वाहन चलाएं तब इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और कोई भी बिजली के उपकरण हो उनको थोड़ा ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। आज के दिन अगर आप गुड़ के चावल का दान करेंगे उससे आपके जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। आज का दिन भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होगा, 78% सक्सेसफुल रहेगा और आपका रंग है ब्राउन एंड येलो और आपका जो अंक है वो है नंबर 7। चलिए अब बात कर लेते हैं रंजना जी 8 नंबर की। 8 नंबर वालों के लिए भी देखते हैं दिन बढ़िया रहने वाला है, इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये हम देखते हैं चेंजेस बहुत ही इनके लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे, कोई घर के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे जिसके लिए इनको अपने बड़े बुजुर्गों का भी सपोर्ट मिलने वाला है और अगर ये कोई लोन वगैरह के लिए ट्राई करेंगे उसमें भी इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नंबर 8 वालों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित होगा। आज का दिन जो अगर थोड़ी प्रॉब्लम्स इनको दिख रही हैं या कोई बाधाएं दिख रही हैं उसके लिए आज ये शनि चालीसा का पाठ करें और हो सके तो अपने कुछ जूते का दान कर देंगे या कंबल का दान कर देंगे तो इनकी जो भी बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। दिन बहुत बढ़िया है, आपका भी 74% पर सक्सेसफुल रहेगा, इसे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपका रंग है ग्रे और आपका जो अंक है वो है नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 9 नंबर वालों की रंजना जी। आज सबके कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है करते हुए, दिन इनका भी बहुत ही अच्छा है, सब तरफ से भी इनको सपोर्ट मिलने वाला है। इनके कार्ड्स में देखती हूँ कि इनको हर तरफ से कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स काफी दिन की इनकी चल रही थी वो सब खत्म होने वाली है। खाली इनको थोड़ा सा अपना अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी वाणी पे और अपने क्रोध के भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ये सजेशन देते हैं अगर हो सके तो आज आप जरूर दूध का दान करें और 108 बार शिव चालीसा का पाठ करें, फिर आप देखें आपका दिन बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपका रंग है सफेद और आपका जो अंक है वो है नंबर 2। आज का दिन आपको 80% सक्सेस।